आप सभी का स्वागत है। आप हमेशा से जानना चाह रहे थे वीजा फॉर बिगिनर्स का क्या प्रोसेस है, यानी अगर आप पहली बार वीजा लेना चाह रहे हैं तो शुरू से लेकर एंड तक आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, बट क्योंकि रिसेंटली कुछ महीनों में थोड़े बहुत इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं वीजा प्रोसेस में, तो हमें लगा कि बिगिनर्स के लिए ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। ऑल्दो हम पूरी कोशिश करते हैं आपके इंडिविजुअल कमेंट्स के वन बाय वन रिप्लाई करने की, बट स्टिल हमें ये जरूरत लगी कि वीजा फॉर बिगिनर्स के जो नए प्रोटोकॉल्स और जो थोड़े बहुत चेंजेस जो हमें लग रहा है प्रोसेस में देखने को मिल रहे हैं, उसको क्यों ना एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के थ्रू सभी बिगिनर्स को बताया जाए। तो वीजा फॉर बिगिनर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम वीजा लगाने वाले हैं या फर्स्ट टाइम वीजा लगाना चाहते हैं, शेंगेन हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, यूएसए हो, न्यूजीलैंड हो या जापान हो, कहीं पर भी आप जाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। इस वीडियो को जरूर सेव करके रखें, क्योंकि जब आप वीजा फाइलिंग अपनी शुरू करेंगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आपको कई बार इसे रिप्ले भी करना पड़ सकता है और समझना भी पड़ सकता है, और बेस्ट है मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके काफी काम आएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो नंबर वन रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, सबको पता है, बट यहाँ पर भी काफी लोग गलतियां कर देते हैं। देखिए, हम सारे लोग अपना समय बचाने के लिए या फिर अपने एफर्ट्स बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एजेंट्स के पास जाते हैं जो पासपोर्ट में काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप उनके पास जा सकते हैं, बट देखिए कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है वो नॉन ईसीआर हो। ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आपके पासपोर्ट में ईसीआर लिखा हुआ आ जाता है पासपोर्ट के एंड में, तो इसका सीधा सरल सा मतलब है कि अभी आपने 10th पास भी नहीं करी है। अगर आप एडल्ट हैं तो, अगर आप 18 से नीचे की उम्र है तो उसमें आमतौर पर नहीं आता। अगर आपकी 18 से उम्र है और उस पर लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब आपने 10th पास नहीं करी है। उस केस में एक नेगेटिव इंप्रेशन तो आपने ऑलरेडी काउंसलर के माइंड में दे दिया। तो कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है नॉन ईसीआर हो। अगर आपने 10th या 12th पास किया है तो उसकी मार्कशीट वगैरह, उसके सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें, और यही चीज अपने एजेंट को भी अपडेट करें कि वो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी ईसीआर है बट आपने 10th की या 8th की मार्कशीट कर रखी है और आपने अभी तक नहीं ट्रैवल नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फिर से नया पासपोर्ट बनवा लीजिए, ताकि आपको इस चीज का ध्यान रहे कि हाँ भाई, अब मैंने पासपोर्ट अपना बनवा लिया है और इसमें मैंने अपना नॉन ईसीआर भी अपडेट करवा दिया है। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जो भी आप काम करते हैं उसका कोई प्रूफ। देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि अगले 6 महीने में, 1 साल में मेरा टारगेट है कि मैं यूके ट्रैवल करके आऊँ, पेरिस देख के आऊँ या फिर ऑस्ट्रेलिया घूम के आऊँ, तो ऐसे सिनारियो में आपको वो चीज़ खास तौर पर ध्यान रखनी होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप कोई भी काम करें उसका कोई ना कोई प्रूफ जरूर रखें। हो सकता है कि आपके पास कोई शॉप हो बट आपको लगता है सारा मेरा काम कैश में हो जाता है, मुझे क्या जरूरत है। हो सकता है कि आप एक ट्यूटर हो, कोचिंग करते हो और आपने उसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी, आपको लगता है बच्चे आ जाते हैं, कैश दे देते हैं, मुझे क्या जरूरत है, राइट। बट इस सेंस में मैं आपको बोलूंगा कि बहुत जरूरत है। हमें लगता है कि जरूरत नहीं है बट एम्बेसीज आपकी कहीं भी बातों पे यकीन नहीं करेगी, वो आपके दिए हुए प्रूफ पे यकीन करेगी। तो आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवाएं। अब बिजनेस रजिस्टर कराने के पीछे बहुत सारी कंफ्यूजन है। लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। यहाँ पर भी एक MSME नाम का एक रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। वो काफी पहले एक भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए, बट उसका लोग काफी अब्यूज भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं। बिजनेस नहीं भी होता है, 1 घंटे के अंदर वो रजिस्ट्रेशन बन के आ जाता है, उसको लगा देते हैं, वो इनफ नहीं है। आप उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, इनकम अच्छी है, तो GST ले लीजिए। इसके अलावा कोई लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी से करा लीजिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कोई और भी साथ में अगर आपके प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हैं उसमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से NOC लेटर या लीव लेटर सेंक्शन करवा के लिखवाएं, जिसमें आपकी, देखो एक तो काफी सारे लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जो उन्होंने कंपनी से लीव मांगी होती है उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, देखिए जी मैंने लीव के लिए ईमेल कर दिया है, मुझे वीजा दे दीजिए। ऐसे नहीं होता। आपने मेल करी है कि भाई मैं जो है लंदन जाना चाहता हूँ 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, प्लीज मेरे को अलाउ करें। अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है और आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया, इससे काफी बात नहीं बनेगी, ये काफी नहीं है, ये बहुत कम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कंपनी का रिप्लाई आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लगाने से अच्छा है कंपनी के लेटर हेड पे अपना प्रॉपर लीव लेटर सेंक्शन करवाएं और कंपनी को ये चीज बताएं कि मुझे ब्रिटिश हाई कमीशन में देना है, तो इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर सकता या इसका प्रिंट आउट नहीं ले सकता।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे एक लेटर हेड पे बना के दे दीजिए। अगर आप उनको कहते हैं तो डेफिनेटली दे शुड ऑब्लाइज, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने की, सैलरी स्लिप लगाना भी आपके बेनिफिट में ही जाएगा। सैलरी स्लिप लगा दीजिए अगर वो आपको देते हैं, नहीं देते तो अलग बात है, अगर देते हैं तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपका रेंटल इनकम है। भाई प्रूफ ऑफ इनकम सिर्फ बिजनेस और जॉब से थोड़ी होता है, और भी काफी सोर्स हैं। हो सकता है आप किसान हो, देखा जाए तो किसान फार्मिंग भी अपना एक अलग से ही बिजनेस होता है। तो अगर आप फार्मिंग करते हैं तो उस केस में जे फॉर्म वगैरह या फिर खतौनी हो गया या जमाबंदी हो गया या फर्द हो गया, जो भी आपके एरिया में चलता है जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगी जमीनें आपकी हैं या फिर एटलीस्ट आपका नाम हो उसमें, तो उसको लगाएं। साथ में अगर आप जो भी फसल बेचते हैं उसके बदले में आपको एक सरकारी रिसिप्ट मिलती है, नॉर्थ इंडिया में उसे जे फॉर्म कहा जाता है, आपके स्टेट में उसे तस्वीर कुछ और ना हो, जब भी आप कोई फसल बेचें अपना आउटपुट बेचें तो उसके बदले में जो सरकारी रिसिप्ट मिलती है उसका साथ में स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम समझाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। लास्टली अगर आपका रेंटल बिजनेस है, काफ़ी लोगों का रेंटल या पीजी का बिजनेस भी होता है, तो ऐसे केसेस में आप अपने जो भी रेंट एग्रीमेंट है उसकी कॉपी लगाएं, जिस अकाउंट में रेंट आता है उसकी स्टेटमेंट लगा दें, दैट्स इट। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका जस्टिफाई होना चाहिए, राइट। नंबर थर्ड पे आ गया आईटीआर या फॉर्म 16 2 से 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग। अभी ये क्या चीज होती है, आईटीआर का मतलब हो गया इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने अभी हमने बताया कि आप ये कमा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपने जो कमाया है या जो भी इनकम आप करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं, क्या वो सब कुछ व्हाइट में है, तो इसका एक प्रूफ दे दीजिए कि आपकी इनकम व्हाइट में, आपकी सरकार एक लिख के दे दे कि हाँ जी आपके जो इनकम है व्हाइट में। आप सरकार कैसे लिख के देती है, वो आईटीआर दे देती है, इनकम टैक्स रिटर्न, कि आपने अपनी इनकम टैक्स, आपने इनकम के अगेंस्ट अपना टैक्स जो है वो फाइल कर दिया है, राइट। तो इसमें आईटीआर लगा लीजिए। जो लोग जॉब करते हैं उसमें उनको फॉर्म 16 मिलता है, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और ये 2 से 3 साल डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, कोई कंट्री 2 साल बोलती है, कोई कंट्री 3 साल बोलती है, जो भी आपकी कंट्री है उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 3 साल का इससे लगा सकते हैं। लिस्ट में फोर्थ पॉइंट हो गया 3 to 6 months ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें स्टैंप और साइन हो, राइट। अब ये नाम से पता चल रहा है, यानी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट जो या तो 3 महीने की हो या 6 महीने की हो, और जो भी अकाउंट स्टेटमेंट है वो बैंक द्वारा स्टैम्प्ड हो। यानी ऐसा भी तो लोग करते हैं ना कि भाई अकाउंट स्टेटमेंट कुछ भी हो उसमें फोटोशॉप कर देंगे, राइट। तो ऐसे केस में एम्बेसीज क्या कहती है कि आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट हो आप बैंक के पास जाइए, उनको बोलें उस पर स्टैंप लगा के दें, और वो ओरिजिनल जमा होती है, यानी ओरिजिनल ही आपको लेकर जानी होती है। अगर आप उसकी कलर कॉपी या फोटो कॉपी लेकर चले जाते हैं तो VFS वाले या तो मना ही नहीं करेंगे, और लिखेंगे तो उसमें नोट डाल देंगे, जो कि गलत हो जाता है प्रोफाइल के लिए। तो आपको अपनी ओरिजिनल अकाउंट स्टेटमेंट ले जानी होगी, और पासपोर्ट और अकाउंट स्टेटमेंट, यही 2 चीज़ें ओरिजिनल जाती हैं, बाकी सब चीज़ों का जो है कॉपी चल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट बनवाते हैं तो हर आपने कोशिश ये करना है कि जितने भी अकाउंट है आपके उन सबके स्टेटमेंट निकलवाएं। बट अगर आपका एक ही मेजर अकाउंट है और बाकी अकाउंट पैसा आपने वैसे ही रखे हुए हैं, कई बार लगते हैं लोग खुलवाते हैं बट यूज़ करना बंद कर देते हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं लगती तो दूसरे बैंक में चले जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई अकाउंट है तो उसकी यूज़ नहीं है। बट अगर आपके 2 अकाउंट या 3 अकाउंट है और बराबर यूज़ होते हैं, तब आपने उन सबकी अकाउंट स्टेटमेंट लगानी है और सब पे स्टैंप भी लगानी है। अगर आप जॉब करते हैं और सैलरी आ रही है किसी अलग अकाउंट में और आप अपनी सेविंग रखते हैं किसी अलग अकाउंट में, तो उस केस में दोनों अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं और सेविंग के साथ साथ आपका करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी साथ में अटैच करें। मतलब कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे दिखने चाहिए। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि कितने वीजा के लिए कितने पैसे चाहिए, किस देश के लिए क्या क्या, तो इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अभी ऑपरेशन में है, बहुत ही जल्द वो अपलोड हो जाएगी। आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आजकल परचेसिंग पावर पैरिटी को देखते हुए क्या एक बैलेंस है जो रीजनेबली गुड माना जा रहा है, जिसके बेसिस पे आप वीजा क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो अभी 3 to 6 months की अकाउंट स्टेटमेंट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट आ गया, आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसका प्रूफ। यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह लगाने से ज्यादा बेटर हैं। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है तो वो लगा लीजिए, और म्यूचुअल फंड तो फिक्स डिपॉजिट से भी बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे के पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर बड़े कैंपेन हुए हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स को जो है सपोर्ट किया गया है, और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट लोगों को मिला भी है, लोगों को इसके अच्छे रिटर्न मिले भी हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो अलग फंड्स भी होते हैं, जैसे FD है, RD भी लोग काफ़ी सारे कराते हैं। अगर आपका ऐसा RD चल रहा है या SIP चल रहा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, जो मंथली आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं उसके भी आप स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। अगर प्रोविडेंट फंड है आपके पास तो प्रोविडेंट फंड की भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, उसकी आपको एक पासबुक मिली होगी, उसकी आप फोटो कॉपी भी लगा सकते हैं। बस फोटो कॉपी के बाद फोटो कॉपी के ऊपर स्टैंप लगी हो, बस इसका ध्यान रखना है। बड़ा मुश्किल होता है प्रोविडेंट फंड में स्टैंप लगवाना, बट थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं लग पाया तो फिर खाली फोटो कॉपी लगा दीजिए, बट लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था पॉइंट आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। नेक्स्ट 7th पॉइंट हो गया आपका मैरिटल स्टेटस को लेकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए, अगर आप अभी से ही शुरू कर रहे हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये सातवें पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है मैरिज सर्टिफिकेट और साथ में आपकी वाइफ और बच्चों का आईडी प्रूफ। अब देखिए, काफी सारे रिफ्यूजल के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने आपकी फैमिली का ब्यौरा नहीं दिया होता। मैरिड होते हैं बट बताते नहीं एम्बेसी को, ये गलत है, आपको बताना चाहिए, बल्कि ये तो अच्छी बात है, आपको बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास मेरी वाइफ का प्रूफ नहीं है, मैं कुछ प्रूफ नहीं दे सकता, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनवा लीजिए जिसमें उनके पासपोर्ट में आपका नाम लिखा हो, वो भी चल जाएगा। वो भी नहीं है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए जिसमें आपका नाम हो, वो भी चल जाएगा। कोई ना कोई प्रूफ अपने पार्टनर का दीजिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका आईडी प्रूफ लगाना भी आपको डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी या सेकेंडरी इनकम। कोई काफी सारे लोग हैं हमारे में से जिनकी जॉब के साथ साथ कोई सेकेंडरी इनकम भी आ रही होती है, जैसे रेंट से आ रही है। काफी सारे लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, उसका रिटर्न आ रहा होता है, तो उसका भी प्रूफ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रेंट आता है, आप जॉब कर रहे हैं, 40-50 हज़ार आपकी वहां से सैलरी आ रही है, उसके अलावा 5,000 या 10,000 रुपये का आपका रेंट है, उसको लगाइए, वो भी आपकी हेल्प करेगा। बट उसमें आपको प्रॉपर्टी का वो प्रूफ लगाना होगा जैसा कि ये लिखा हुआ है, और सेकेंडरी इनकम एक्चुअल में आपके अकाउंट में आनी चाहिए। आप कैश में लेते हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो इस केस में आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लगानी चाहिए जिसमें वो रेंट आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अभी से अपने टेनेंट को बोलिए कि प्लीज आप मुझे कैश ना दें, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, वो ज्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में क्या क्या है? आपके होटल वाउचर्स, जिस होटल में आप रुकने वाले हैं उनकी प्रूफ। दूसरा आपका पीएनआर कॉपी, जो जो फ्लाइट आपने ली उसकी पीएनआर कॉपी लगा सकते हैं। थर्ड हो गया ट्रैवल आइटनरी, यानी आप किस दिन कहां पर जा रहे हो उसका एक छोटा सा ब्यौरा। और लास्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करता है। इसमें अगर आपने कुछ और लिया हुआ है, हो सकता है कि आपने कोई और क्रूज लिया हो, या हो सकता है आपने यूरेल लेनी हो बीच में और आपके पास उसके वाउचर है, तो आप उनको लगा सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली उनको परचेज करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। आपको इसमें देखिए ध्यान किस चीज़ का रखना है, ट्रैवल आइटनरी का। ट्रैवल आइटनरी के ऊपर ऑलमोस्ट हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अनफॉर्चुनेटली शेंगेन वीजा का रिफ्यूजल फेस किया है तो उसमें एक पॉइंट आता है, जस्टिफिकेशन एंड द पर्पस ऑफ इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल। ऐसे केस में माना जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट थी, फाइल बिल्कुल अच्छी थी, तो फिर ट्रैवल आइटनरी में गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं समझने में। अदरवाइज ये हमेशा नहीं एप्लीकेबल होता, रेयर केसेस में। जैसा मैंने कहा, प्रोफाइल भी अच्छी और फाइल भी अच्छी है, उसके बावजूद भी आता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रैवल आइटनरी में छोटी मोटी कमी रह गई हो या ठीक से एक्सप्लेन ना की गई हो। इसलिए ट्रैवल आइटनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लाइट के पीएनआर, यानी फ्लाइट आप कौन से, आप इंडिया से जा रहे हैं उनके देश में लैंड कर रहे हैं तो कौन सी फ्लाइट लेने वाले हैं, डिपार्चर किस फ्लाइट से, रिटर्न किस फ्लाइट से, उसका ब्यौरा। ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपके पूरे कवर को इंक्लूड करता हो, उसका कंप्लीट ब्यौरा। और इसके अलावा अगर कोई और वाउचर आपके पास है तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वीजा फॉर्म की। हालांकि ये पहली रिक्वायरमेंट होती है, हम इसने लास्ट में इसलिए रखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट आप पहले समझ ले। वीजा फॉर्म जो आपको वीएफएस की वेबसाइट से भी मिल सकता है, एम्बेसी से भी डायरेक्ट कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब वीजा फॉर्म में क्या गड़बड़ होती है? कुछ भी नहीं। वीजा फॉर्म में गड़बड़ होती है जब आप हाइड करते हो। अगर वीजा फॉर्म पे पूछा जा रहा है कि आपका पीछे कोई रिफ्यूजल हुआ है किसी कंट्री का, ईएए का, शेंगेन का, ईयू का, या फिर यूके का, कहीं का भी, तो आप उसमें नो लिख दें और उसके बावजूद आपका रिफ्यूजल है, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। आप उसमें नो ना लिखें, सच बताएं। वीजा फॉर्म में सिर्फ यही गड़बड़ लोग करते हैं। इसके अलावा वीजा फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, बड़ा ही सिंपल सा होता है। आप किस पर्पज से जा रहे हैं, किस डेट्स में जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। हाँ, कुछ कंट्रीज के वीजा फॉर्म बड़े टेक्निकल होते हैं, जैसे यूके हो गया, वो आपसे बड़े ध्यान से पूछते हैं कि आपने कितनी स्पेंडिंग करनी है, क्या अर्निंग है, क्या सेविंग है, उसको बहुत ध्यान से पढ़े। वहाँ पे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। और कई वीज़ा फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपकी काफ़ी हिस्ट्री को पूछते हैं, जैसे कनाडा का हो गया। कुछ ऐसे वीज़ा फॉर्म होते हैं जो एक्चुअल में आपकी इंफॉर्मेशन से आपको जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूएसए हो गया। तो सभी के अलग अलग तरीके के वीज़ा फॉर्म हैं ऑलमोस्ट, बट मोर और लेस सबके क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा फिरा के पेश किया जाता है ताकि कोई ना कोई रीड करने वाला, पढ़ने वाला, फिल करने वाला गलती करे और फिर हम उसे पकड़ लें, राइट। इसलिए वीजा फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से करें। और लास्ट हो गया कवर लेटर। कवर लेटर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें कवर लेटर कैसे बनाया जाता है, वो जैसे मैं बोर्ड पे भी समझा रहा हूँ वो भी ऐसे बोर्ड पे समझाया गया है। कवर लेटर हो गया जैसे कि आपका एक बायोडाटा एक रिज्यूमे है, आप उनके देश में आ रहे हैं, बता रहे हैं क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये वो बताता है कि मेरा ये पर्पस है आपके देश में आने का, मैं ये करूंगा या फिर यहाँ पे घूमूंगा। मेरा खुद की प्रोफाइल के बारे में, जी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने लीव ले ली है, और वो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, ये सारा कुछ आप उसमें देख सकते हैं। तो कवर लेटर एक तरह से आपका, जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपका बायोडाटा का काम करता है, तो आपकी फाइल के ऊपर लगता है। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप बिगनर हैं, वीजा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे फाइल बनानी है। अब इसमें आ जाता है, फाइल तो एक्सीलेंट बन गई,
प्रोफाइल का क्या करें? प्रोफाइल को समझने के लिए एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है, आपको काफी सारी वीडियो देख के अच्छे से टाइम स्पेंड करना होगा जिससे आप समझ सकें प्रोफाइल को स्ट्रांग कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनाना, असेट्स बिल्डअप करना, होम टाइज को स्ट्रांग करना, एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसी चीजें हमारी सभी वीडियोज में बताई गई हैं। अगर आपके थोड़ा बहुत ट्रैवल है, होम टाइज अच्छे हैं और फिर आप फाइल इस तरीके से बना देते हैं तो ट्रस्ट मी वीजा अप्रूवल का रेशियो इज लाइक ऑलमोस्ट 99%। 1% थोड़ा सा भगवान जी के लिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट राउंड पे हमें अनसर्टेन रिस्पॉन्स भी मिल जाते हैं, बट नेवर द लेस प्रोबेबिलिटी ही गेम होती है, वीजा इज नेवर शॉर्ट। बट अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, 100 लोग अच्छे से काम करके वीजा अप्लाई करेंगे तो 90 से ऊपर का वीजा आएगा, लेकिन वही 100 लोग अगर ढंग से वीजा नहीं अप्लाई करेंगे, खराब फाइल लगा देंगे तो फिर 50 के भी नहीं आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, तो आप 50 में रहना चाहते हैं, 90 में आना चाहते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें करेंगे तो 90 में आएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू वीजा फाइल फॉर बिगिनर्स समझने के लिए आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आप हमारी हेल्प भी लेना चाहते हैं, ऑल्दो आप अगर आप इस चैनल से काफी टाइम से जुड़े हैं तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप आपके पास है, आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।